नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर लीजिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, नदियों के किनारे बसे शहर के विषय में हमको चर्चा करनी है। लेकिन पहले थोड़ा सा नदी के बारे में जान लीजिए कि जो है विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, और नील नदी की जो लंबाई है वो 6,690 किलोमीटर है। ये अफ्रीका में बहती है, और देखिए इसका जो उद्गम है, नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से है, और विक्टोरिया झील भी जो है यही ये भी अफ्रीका में ही पाई जाती है, और इसका जो अंत होता है वो भूमध्य सागर में होता है, या करके भूमध्य सागर में जो जाके मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसकी इसके ये जो है नील नदी दो नदियों से आके मिलती है, जो है नस्वार झील और अस्वान झील। फिर आगे देखिए एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी है, ये चाइना में है, 6,300 किलोमीटर है। और ये निकलती कहाँ से है, जारी हिल पहाड़ी से निकलती है जो कि चीन में है, और पूर्वी चीन सागर में जाके गिर जाती है। फिर भारत की अगर बात करें हम, तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है, और ये हमारी गंगोत्री से निकलती है, और ये बांग्लादेश होते हुए BOB यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और यही गंगा नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। फिर देखिए दक्षिण भारत की अगर बात करें हम, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और इसका उद्गम स्थान जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, और ये भी जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुर्रे डार्लिंग नदी। ये दो नदियां हैं, एक मरे नदी है और एक डार्लिंग, तो कभी कभी इसको मरे डार्लिंग नदी भी कहते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर आगे देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कि रूस में है, और इसका अगर हम उद्गम स्थान देखें तो वाल्दाई की पहाड़ी से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है कि जो वोल्गा नदी है इसका उद्गम कहाँ पे है, ये वाल्दाई पहाड़ी पर इसका उद्गम है, और इसका अंत जो है वो कैस्पियन सागर में है। फिर आगे चलते हैं दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी, और इसका उद्गम एंडीज पर्वत से है, और इसका अंत जो है अटलांटिक महासागर में हो जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, और अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे आग लगी थी, तो उसमें कहा गया था कि पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो जल रहा है, और यहाँ पे एक विशेष प्रजाति पाई जाती है अजगर की, एनाकोंडा प्रजाति इसी जंगल में पाई जाती है। और आगे देखिए राइन नदी के विषय में, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, यहाँ पे जो है व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसका उद्गम स्विट्ज़रलैंड में है, और ये उत्तरी सागर में जा कर के इसका अंत हो जाता है। वहीं आगे देखें तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है, जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है, जो कि भारत में है। वहीं मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, कांगो या जायरे और लिम्पोपो नदी हमारी अफ्रीका में है, जबकि माही नदी हमारी भारत में है। फिर आगे देखिए ये चीज़ हमने बता दी है कि विश्व की सबसे लंबी नदी। फिर अब जो हमने आप थंबनेल में देखे हैं कि नदियों के इस मतलब बसे शहर क्या है, पेरिस, पेरिस जो है हमारा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी किनारे है। उसी प्रकार लंदन, ये इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, और ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर देखें न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हमारा जो है हडसन नदी किनारे है, और ये USA का एक शहर है। फिर आगे चलते हैं दिल्ली, दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, और यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। वहीं बैंकॉक की बात करें, तो बैंकॉक जो है हमारा थाईलैंड की राजधानी है, और चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है, चाओ फ्राया नदी। फिर वहीं कैरो देखिए, कैरो जो है मिस्र का एक शहर है, जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। वहीं आगे देखिए बोडापेस्ट लिखा हुआ है, और बोडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो बोडापेस्ट किसके किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी। वहीं देखिए मॉन्ट्रियल सिटी, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, सेंट लॉरेंस जो है कनाडा का एक, ये मॉन्ट्रियल सिटी जो है कनाडा का एक शहर है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है।
वहीं आगे हम देखते हैं तो वियना, वियना हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वहीं रोम की बात करें तो इटली की राजधानी है जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर देखें तो मास्को, मास्को हमारी रूस की राजधानी है और मास्कोवा नदी के मोकवा मोकस्वा नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलते हैं, मेलबर्न की बात करते हैं तो मेलबर्न हमारा ऑस्ट्रेलिया में है और यार्रा नदी के किनारे स्थित है। साओ पोलो की बात करें तो ब्राज़ील में है और ये टाइटी नदी के किनारे स्थित है। वहीं संघाई की बात करें तो ये चीन में है और ह्वांगपो नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे श्रीनगर जो है ये झेलम नदी किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे स्थित है और लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। वहीं छपरा, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, भागलपुर, कन्नौज, कुर्सिला ये सब गंगा नदी किनारे स्थित है। पटना, वाराणसी ये सब गंगा नदी किनारे स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कि मथुरा, दिल्ली, आगरा, इटावा ये चारों शहर हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है। फिर अहमदाबाद साबरमती किनारे, सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे, राजमुंद्री शहर जो है नासिक में है, ये गोदावरी शहर के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।